18 आज मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ ना, कोई चांस नहीं कि मेरे को आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम पता हो, राइट? आज आज एक सामने साथ ठीक है, अपने जो भी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, इमेजिन करो कि वो यहाँ पे खड़ी हैं, इमेजिन करना खाली, नहीं यार वैसे भी नहीं आएगी, खाली इमेजिन करो कि वो यहाँ पे खड़े, ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे देखो उनको, ओके, उसका नाम अपने मन में बोलना, ठीक है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट अपने मन में बोलो, फर्स्ट अल्फाबेट दोबारा बोलो, पी आग नहीं बोलना उसका पूरा नाम अपने मन में सोचो, लास्ट टाइम आप उससे कब मिले हो? बहुत टाइम हो चुका है, आधा क्या करो, अगली बार जब भी आप मिलो पूनम जी को मेरी तरफ से हेलो बोलना जो भी आपके फोन का पासवर्ड है आपने खाली अपने मन में सोचना है, ठीक है, मन में सोचो, सोच लो, इमेजिन करो क्या आप अपना पासवर्ड इसमें डाल रहे हो, हाँ, भी कर वहां देखे, ओके? हाँ, हाँ, फेस लॉक खुल जाएगा, अच्छा, फेस लॉक खुलेगा मेरे तो देखो उसका फर्स्ट डिजिट अपने मन में टाइप करो, फर्स्ट कर दिया, कर दिया ब्रो, फर्स्ट डिजिट 1 कर दिया, हाँ कर दिया, सेकंड डिजिट टाइप करो, कर दिया 1 अगेन, हाँ 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 ठीक है, थर्ड डिजिट टाइप करो, कर दिया 3 and 9 ब्रो, एक बात बताओ मुझे, कंफर्म करो, आज से पहले मैं मिला हूँ आपसे कभी? फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ आज, राइट? कोई चांस नहीं कि मेरे को आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ? ना। आपका नाम आज मेरे को पहली बार पता लगा है, उसका नाम अपने मन में सोचना, ठीक है, इमेजिन करो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं, ओके, आई थिंक वो लड़का है, यस लड़का है, उसका नाम पूरा सोचो अपने मन में, हाथ आगे करोगे, अच्छा उसका नाम अपने मन में सोच रहा, ठीक है, मैं ए से लेकर जेड तक बोलूँगा, आपको रिएक्ट नहीं करना कुछ भी, okay. उसका नाम अपने मन में बोलो, नाम छोड़ो उसका, खाली फर्स्ट अल्फाबेट अपने मन में बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस उसका फर्स्ट अल्फाबेट है, एस उसका पूरा नाम अपने मन में सोचो, मेरे तो देखो पूरा नाम अपने मन में सोचो, सौरभ कौन है, सौरभ आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपका एटीएम पासवर्ड है वो अपने मन में सोच रहे, ठीक है, उसका फर्स्ट, हाँ उसका फर्स्ट डिजिट अपने मन में बोलो, मैं गलत हो सकता हूँ, इज इट 1 उसका सेकंड डिजिट अपने मन में बोलना, ठीक है, मेरा देखो उसका थर्ड डिजिट अपने मन में बोलो, एक सर मेरा एटीएम चोरी कर लिया ना अब ये आपको चेंज करना पड़ेगा आपका कोई बचपन का दोस्त, हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो कि किसी टाइम पे बहुत अच्छा दोस्त था, ओके, उससे लास्ट में टच में रहे हो आप या फिर नहीं? नहीं टच में नहीं, आपने बोला था ना कि जिससे टच में नहीं हो, टच में नहीं, लास्ट टाइम कब से टच में आप उससे? 20-22 साल पहले का कोई दोस्त है, बिल्कुल कोई चांस नहीं कि मेरे को उसका नाम पता हो, बिल्कुल कोई चांस नहीं है, आपने कभी इनको बताया, कभी किसी को बताया? किसी को नहीं बताया, राइट? उसका नाम अपने मन में सोचो, सोच लिया, एक बार उसका नाम अपने मन में बोलो, आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, खाली अपने मन में उसका नाम बोलना, चिल्लाना, बोल दिया, बोल दिया, उसका फर्स्ट अल्फाबेट अपने मन में बोलो, फर्स्ट अल्फाबेट एस, एस उसका फर्स्ट अल्फाबेट, राइट? अपन आगे करो, पता नहीं आप उससे कब मिलोगे, उसका नाम अपने मन में बोलना, ठीक है, पता नहीं आप उससे कब मिलोगे, पर जब भी आप मिलो सतीश जी को मेरी तरफ से हेलो बोलना, कमाल कमाल यार, गुड, सही में चमत्कार, चमत्कारिक बाबा है यार। कोई कार्ड पिक करो, एनी कार्ड, डजंट मैटर, एनी कार्ड देख लो, मेरे को नहीं दिखाना, देख लिया, ओके, पॉकेट में डाल लो, अपने कार्ड का कलर अपने मन में सोचो, जैसे कि एक ब्लैक और दूसरा रेड, दो ही कलर होते हैं ना, कलर सोचो अपने मन में, अपने मन में बोलो कलर ब्लैक, ब्लैक बोला आपने, दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है नंबर कार्ड और एक होता है पिक्चर कार्ड, सोचो वो पिक्चर कार्ड है या फिर नंबर कार्ड है, आपने बताना नहीं है,
नंबर कार्ड है अब बोलने वाले थे आप नंबर कार्ड नंबर अपने मन में बोलो मेरे देखो दोबारा बोलो अपने मन में 10 ओके इसके पीछे मैंने अमिताभ बच्चन लिखा है ठीक है किसी वो अलग मैजिक के लिए था बट इसके मैंने पीछे कुछ लिखा हुआ है इसको इसको अपने हाथ में पकड़ के रखना पूरा टाइम देखना नहीं है ठीक है आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी पकड़ सकते हो बिना देखे ओके आप कोई भी एक नंबर बोलो 1 से लेकर 10 के बीच में एनी नंबर एक फ़ोन पकड़ो जो भी नंबर बोलो इसमें टाइप कर दो दिखा सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 7 ओके आप बोलो कोई भी रैंडम नंबर 6 आप बोलो कोई नंबर 4 7 6 4 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आप रैंडमली कोई भी 3 डिजिट नंबर डाल दो रैंडमली कोई भी 3 डिजिट नंबर दिखा सकते हो सबके सामने डाल दो ठीक है इसको इक्वल टू प्रेस करो कुछ आंसर आया है और बिल्कुल बिल्कुल रैंडमली आंसर आया राइट बिल्कुल रैंडमली आया इसमें ऐड करते हैं थोड़े बहुत नंबर्स आप इसमें कोई भी 6 डिजिट नंबर इसमें डाल दो कोई भी 6 डिजिट नंबर इक्वल टू मत करो खाली प्लस कर दिया इसको दोबारा प्लस करते हैं आप इसमें रैंडमली कोई भी 6 डिजिट नंबर डाल दो इक्वल मत करना खाली डाल दो ठीक है बिल्कुल रैंडमली डालें प्लस आप इसमें रैंडमली कोई भी 6 डिजिट नंबर डाल दो 6 डिजिट हो गए इक्वल टू कर दो इक्वल टू कर दो ओके तो एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास बना है ठीक है बहुत बड़ा नंबर बना है और एक जो नंबर बना है लाइक 5022023 ठीक है ये नंबर जो बना है ये आपकी कैलकुलेशन प्लस इनकी प्लस इनकी बिल्कुल रैंडमली बनाया आप कोई भी एक नंबर भी इधर से उधर करते थे ना कुछ आंसर अलग आता राइट बट ये सब कुछ स्टार्ट होने से पहले मैंने इनके हाथ में कार्ड पकड़ाया था है ना एक बार वो कैमरे में दिखाओ कि क्या था उसके अंदर पीछे पलटो उसका नंबर मैच करके देखो 5 0 इसमें इसमें दिखाओ कैमरे में दिखाओ 5 0 2 2 0 2 0 2 3 और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो ना अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आज तारीख है 5 चल रहा है फरवरी और 2023 और अभी तक आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इसको बिल्कुल बंद पड़ा है राइट आपके मन में भी एक सेलिब्रिटी है और कोई चांस नहीं है मुझे बताओ कि वो सेलिब्रिटी कौन सा है like, जो रिटर्न कार्ड का हुई ना वो सेलिब्रिटी मुझे नहीं पता ना कौन सा है अगर इसके अंदर उसकी फोटो हुई तो क्या वो इम्प्रेसिव होगा फॉर द फर्स्ट टाइम उसका नाम बताओ जो भी वो सेलिब्रिटी था कपिल शर्मा तो इसके अंदर फोटो है कपिल शर्मा की जब वो 2 महीने के थे ओके नहीं इम्प्रेसिव है आपका कार्ड कौन सा था 8 of Hearts इसके पीछे एक्चुअल में एक फोटो है कपिल शर्मा की होल्डिंग 8 of Hearts दिल्ली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी मैं हां जसनूत तवन अजकल माइंड रीडिंग दा ट्रेंड चल रहा है तुसी कई वीडियोस देखिया होंगे फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते कई लोग अगे आ रहे ने जो दावा करदे ने कि ओ थानू जानदे नहीं ने पर जदों तुसी उनां कोल जाओगे थोड़े दिमाग दे विच की चल रहा है तुहाडी जिंदगी दे विच की चल रहा है थोड़े किन्ने रिश्तेदार ने थोड़ी जिंदगी दे विच की होया किहड़ा हादसा हो चुका है की होना है और की थानू करना चाहिए इस सारे बारे ओ जानदे ने और थानू दसदे ने कि तुसी की करो और की ना करो और जदों तुसी उनां लोकां कोल जाते हो मिलन तो तुसी आप हैरान रह जाते हो कि आखिर उन्होंने को शक्ति आई तो आई किवें तो इसको लेके कई विवाद भी खड़े हो रहे हैं कई भी लोगों का कहना है कि पहले सारी ट्रेनिंग होंगी है सारी जानकारी है हिस्ट्री कड़ी जाती है और उस तो बाद उन्होंने मिल के उन्होंने जिंदगी बारे उन्होंने जानकारी दी जाती है तो आओ अज असी पहुँचे चंडीगढ़ चंडीगढ़ की सुखना लेक से मौजूद हाँ और मेरे नाल वो शख्स मौजूद ने जो माइंड रीडिंग करते हैं ये भी दावा करते हैं कि ये थानू जानते नहीं ने पर थोड़े दिमाग दे विच की चल रहा है ये थानू देख के थानू कुछ सवाल पूछ के उसका जवाब दे देंगे और तुसी हक्के बक्के रह जाओगे हैरान रह जाओगे जो मैं मिली तो मेरे हाथ दे विच भी ये एनवेलप फड़ा दिता है और ये लिखा हुआ है बाहर लिखे द फ्यूचर तो फ्यूचर कि मेरा है किसी होर का इन्हों का है डेली पोस्ट का है ये पता लगेगा जो इंटरव्यू समाप्त होगी तो स्वागत कर दिया
अभी मेरे नाल मौजूद ने डेली पोस्ट पंजाबी दे बहुत स्वागत है जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी। सो थोड़े बहुत चर्चे हो रहे ने, कहंदे तुसी माइंड रीड कर लेंदे हो, किन्नी सच्चाई है? बेसिकली माइंड रीडिंग एक तरह का आर्ट है, ठीक है, एक मेंटलिज्म इसको बोलते हैं। और जैसे मैजिक है, मैजिक की बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो उसमें एक फील्ड होती है मेंटलिज्म, जिसमें हम एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम माइंड रीड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कला है, एक आर्ट है, और हाँ माइंड रीडिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि कैसे। मैं 22 का हूँ, और वैसे पहले मैंने मैजिक स्टार्ट किया था जब मैं 14 का था। मैजिक मैं बचपन में करते होते ना सारे मैजिक ट्रिक्स, वैसे मैं मैजिक ट्रिक्स करता था। तो फिर धीरे धीरे करके मेरा शौक बढ़ता गया। फिर मैंने कुछ बुक्स, कुछ कोर्सेज, कुछ जहाँ जहाँ से सीख सकता था, सब जगह से मैंने मैजिक सीखा, मैजिक फिर परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और 2 साल पहले मेरे को मेंटलिज्म के बारे में पता लगा कि माइंड रीडिंग भी होता है, एक मैजिक का फील्ड है। तो उसके बाद फिर मैंने पिछले 2 साल से मैं इसके अंदर हूँ, मेंटलिज्म के अंदर। कितने लोगों को मिल चुके हो इस दौरान 2 साल के बीच? बहुत लोगों को, जैसे अभी जब भी मेरा मन करता है कि चलो प्रैक्टिस करनी है, तो कभी भी किसी को रोक के प्रैक्टिस कर लेता हूँ उसके साथ। और सारे जवाब सच होते हैं, लोग हैरान होते हैं? मोस्टली हाँ, लोग हैरान होते हैं। पढ़ाई भी कर रहे हो नाल? हाँ, पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट हूँ। मैं बीबीए कर रहा हूँ बद्दी से, महाराजा गर्सन यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ एक तरह से हॉबी की तरह मैंने इसको रखा मैजिक को। ट्रेनिंग कितों ली है फिर? ट्रेनिंग बेसिकली इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, ये मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने सब कुछ खुद सीखा है, यूट्यूब से, इंटरनेट से, कुछ बुक्स रीड करके। और एक तरह से इंटरेस्ट आए तो रिसोर्सेज अपना मिल जाती हैं सीखने के लिए, ये बात है। ये मैंने की पढ़ाया दो, फ्यूचर है किदा? फ्यूचर ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको किसका फ्यूचर है। सो ये किदा फ्यूचर है देखेंगे। सो रैंडम बंदे को चलिए हुन? हाँ, रैंडम बंदे को साथ चल सकते हैं, नहीं तो मैं आपसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। पहले मैं बचूंगी, पहले आप रैंडम बंदे को जावांगे और आप देखेंगे कि माइंड रीडिंग कितनी ताकत है ना, कितने लोगों बारे जानते हो और कितने लोगों का जो भी सवाल पूछते हो सच होंगे। तो ये सर गुजर रहे ने, आ जाओ फिर, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, ओके सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम पंकज। पंकज, ओके सर, हेलो पंकज। ओके, आपको मैं एक दो सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तो मुझे फ़ोन है आपके पास? आपका फोन? ओके, ओपन करके दोगे मुझे फ़ोन? ओपन करके दे दिया। ओके, ब्राइटनेस फुल कर लूँ इसकी? फुल है, फुल है, फुल। इंटरनेट चल रहा है? नेट चल रहा है। ओके, आपका कोई बचपन का दोस्त, हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो कि किसी टाइम पे बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब उससे हम उसे टच में नहीं होते हैं। okay. तो है कोई ऐसा दोस्त आपके बचपन का कोई? सोचो, मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। चलो, न्यू टैब खुल गया, ठीक है। अच्छा, हर एक नेम का ना कोई मीनिंग होता है, जैसे मेरा नाम है अभय। okay. तो भय मीन्स डर, और अभय मीन्स जो डरता नहीं है, जो डरता नहीं। हाँ, तो आपको उसके नाम का मीनिंग पता है या नहीं पता, जो भी वो पर्सन है? नाम का मीनिंग तो नहीं मालूम। नहीं पता? नहीं पता, इसीलिए फ़ोन मांगा था मैंने। इसमें गूगल में हम डालते हैं अगर मीनिंग ऑफ अभय, तो मेरे नाम का मतलब बता देगा, राइट? बताएगा बिल्कुल। वैसे आप जो भी वो पर्सन है उसके नाम का ना मीनिंग देख लेना, ठीक है? गूगल है, गूगल में डालते हैं MEANING, मीनिंग ऑफ जो भी वो पर्सन होगा उसका यहाँ पर मीनिंग देख लेना, ठीक है? ठीक, उसका नाम डालो, सर्च करो, मीनिंग देख लेना, और आपने किसी को दिखाना नहीं है, दूर जाके कर सकते हो आप। कार्ड मैजिक पे ट्राई करूँ? नहीं, कार्ड मैजिक पे ट्राई करता हूँ पहले। देख लिया मीनिंग? हाँ देख लिया। याद है ना आपको? हाँ जी, देख। ओके, फ़ोन लॉक कर दो, फ़ोन लॉक कर दो, पॉकेट में डाल लो। ओके, तो पहले एक कार्ड मैजिक दिखाता हूँ आपको मैं, देखा अच्छे पहले कभी लाइव मैजिक? नहीं, लाइव मैजिक तो नहीं, नहीं देखा। मैं ट्राई करता हूँ एक चीज़ आपके साथ, ठीक है? तो बेसिकली कोई एक कार्ड पिक करना है, मैं से ब्लैक कलर का, एनी ब्लैक कलर का कार्ड, कोई भी ब्लैक, ये वाला 9 दिखा दो कैमरा में, दिखा दो 9 आपने पिक किया है। ओके, एक कार्ड मैं पिक कर लेता हूँ, कोई भी रैंडम रेड कलर का। चलो ठीक है, मैंने ये पिक कर लिया, 3 of Hearts, ठीक है, दिखाओगे मुझे ये 9? ओके, तो ये इनका कार्ड है 9, ठीक है? अपने दोनों हाथ आगे करोगे 9 आप यहाँ पर, ठीक है? दूसरा भी हाथ आगे करो 9। अगर इस 9 को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लो एकदम टाइट, सैंडविच की तरह एकदम टाइट बंद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कार्ड जो मैंने पिक किया था वो था ये वाला 3। थ्री, अब ये 3 मैं आपके हाथ में नहीं डाल सकता, ठीक है, और 9 में निकाल नहीं सकता, राइट? ठीक है, थ्री। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो, कुछ फील हुआ आपको? नहीं, टच फील हुआ। उसके सिवा कुछ फील हुआ कि मैंने कुछ निकाला हो? नहीं फील हुआ। नहीं, अब भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं। एक और ध्यान से देखना जरा, अंदर चेक करना जरा क्या आपके पास। Amazing. Thank you. Amazing. Thank you. Thank you. किया कैसे? मैं जादू। बेसिकली आर्ट है, एक कला है, सीख कर। वाकई
वंडरफुल ओके दोस्त की मीनिंग ओके हाँ दोस्त की मीनिंग तो आपका वो एज क्या थी तब आपकी जब आपका वो बचपन का दोस्त था वही आठ दस साल क्या थे तब आपका वो दोस्त था उसका नाम अभी तक आपको याद है अभी तक याद है ओके उससे लास्ट में टच में रहे हो आप या फिर नहीं नहीं टच में नहीं आपने बोला था ना कि जिससे टच में नहीं हो टच में नहीं लास्ट टाइम कब से टच में आप उससे 20-22 साल पहले का कोई दोस्त है बिल्कुल कोई चांस नहीं कि मेरे को उसका नाम बताओ बिल्कुल कोई चांस नहीं है आपने कभी इनको बताया कभी किसी को बताया किसी को नहीं बताया राइट उसका नाम अपने मन में सोचो सोच लिया एक बार उसका नाम अपने मन में बोलो अपने कुछ भी रिएक्ट नहीं करना खाली अपने मन में उसका नाम बोलना चिल्लाना बोल दिया बोल दिया उसका फर्स्ट अल्फाबेट अपने मन में बोलो फर्स्ट अल्फाबेट एस एस उसका फर्स्ट अल्फाबेट राइट अपन आगे करो पता नहीं आप उससे कब मिलोगे उसका नाम अपने मन में बोलना ठीक है पता नहीं आप उससे कब मिलोगे पर जब भी आप मिलो सतीश जी को मेरी तरफ से हेलो बोलना कमाल कमाल यार गुड सही में चमत्कार चमत्कारिक बाबा है यार मैं बाबा नहीं हूँ एक आर्ट है नहीं मेंटली तो मैं कला है चलो बाबा ही हूँ सतीश ही नाम है जिससे मैं काफी मतलब तीसियों साल हो गए संपर्क में नहीं हूँ आपने बोला था कि संपर्क में ना हो लेकिन वो दोस्त है मेरा आज भी है ओके आपने इनमें से कोई एक कार्ड पिक करो रेड कलर का कोई भी फोर ऑफ हार्ट्स या चेंज करना है मर्जी है यही वाला रखना है ठीक है फोर ऑफ हार्ट्स है ठीक है ओके फोर ऑफ हार्ट्स ठीक है फोर ऑफ हार्ट्स अपने हाथ आगे करोगे दोनों आइसक्रीम है ना एक मिनट के लिए इनको दे दो फोर ऑफ हार्ट्स ध्यान से देखना ठीक है इस वाले कार्ड को मैं फाड़ देता हूँ ऐसे ठीक है एक और बार फाड़ दिया अपने दोनों हाथ आगे करो ऐसे और इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लो एकदम टाइट बंद रखना एकदम ठीक है एक कार्ड मैं पिक कर लेता हूँ कोई भी रैंडम कार्ड ये वाला क्वीन ठीक है क्वीन ओके आपने बहुत ध्यान से देखना ठीक है क्वीन है मेरे पास वॉच रेडी निकालूँ फोर ऑफ हार्ट्स आपके हाथ से डन आपके हाथ में कौन सा कार्ड है क्वीन दिखाओ कैमरे में दिखाओ क्लैपिंग करो क्वीन वो हो क्लैपिंग कर दो तरन मैजिक मजा आया यस सो हम चलते हैं अभी किसी वो सामने कपल के साथ देखा ग्रुप के पास हां जी कपल के पास जो यहां पे एंजॉय करने आए हैं हां पर कपल ने कई बार ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि वीडियो नहीं रिकॉर्ड करनी फ्रेंड्स ग्रुप खड़ा है ओके हां हां सो श्योर आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको बता देंगे ओके पहले पहले कार्ड मैजिक दिखाता हूँ उसके बाद ठीक है तो आप इनमें से कोई एक कार्ड पिक करो एनी कार्ड डजंट मैटर कोई भी एक कार्ड पिक कर लो देख लो मुझे नहीं दिखाना देख लिया हाँ जी ओके अपने पास रखो पॉकेट में डालो डालो अच्छे से डन नहीं अभी नहीं कैमरे में बाद में दिखा देंगे हाँ जी। आपको कार्ड याद है ना अच्छे से कोई चांस नहीं कि मुझे बताओ आपका कार्ड अच्छा कार्ड में ना दो कलर होते हैं एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड हाँ जी। अपने कार्ड का कलर अपने मन में सोचना ठीक है खाली अपने मन में सोचो उसका कलर बोलो अपने मन में ब्लैक ब्लैक दो तरह के कार्ड होते हैं एक होता है नंबर कार्ड और दूसरा होता है पिक्चर कार्ड सोचो कि वो नंबर कार्ड है या फिर पिक्चर कार्ड खाली सोचना है नंबर और आई थिंक कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है टू ओ माय गॉड हां टू ऑफ स्पेड्स इट वाज टू ऑफ क्लब्स ओके काफी क्लोज था टू ऑफ क्लब्स देख सकता हूँ कार्ड को ओके टू ऑफ क्लब्स ऑलराइट इसके ऊपर आप अपना नाम लिख दो के कैमरे में आ गया तो आपका नाम है छवि ओके छवि तो इस कार्ड को ना मैं कहीं भी ऐसे सेंटर में से डाल देता हूँ कहीं भी मिडल में ठीक है okay. आपको गैस करना है कि मैंने कार्ड कौन से नंबर पे डाला है खाली गैस करना है लाइक 20th 25 कौन से नंबर पे डाला होगा 25th हाँ जी स्नैप करो जैसे आप स्नैप करोगे वो कार्ड उस स्नैप को सुनेगा और सबसे टॉप पर आ जाएगा रेडी okay. दोबारा स्नैप करो डन सबसे टॉप वाला कार्ड आपका ओह माय गॉड छवि आपके नाम के साथ टू ऑफ क्लब्स राइट टू ऑफ क्लब्स अपना हाथ आगे करोगे
एक मिनट के लिए पकड़ो, एक मिनट के लिए इसको ना आप कहीं भी डाल दो। ओके, तो इस बार ये आपने खुद बीच में डाला है, सबसे टॉप पे नहीं आ सकता। दोबारा स्नैप करो और ये सबसे टॉप पर आएगा। डन। छवि, आपके नाम के साथ टू ऑफ क्लब्स, राइट? ओके, वॉच, दोबारा दिखाता हूँ, सेम चीज़। इस बार मुझे बहुत ध्यान से करना, टू ऑफ क्लब्स, इसको मैं डालता हूँ यहाँ पर। एक काम करो, ये सारे आप उठा लो और इसमें कहीं बीच में से डाल दिया। अब ये सबसे टॉप पर नहीं आ सकता। स्नैप करूँगा, सबसे टॉप पर आएगा, डेक के सबसे टॉप पर। रेडी? डन। ओके, डेक का टॉप यहाँ पर नहीं है, डेक का टॉप वहाँ पर है, वहाँ चेक करो। आपका फोन पड़ा है बस? उनके साथ कर दो। फोन पड़ा आपके पास है आपका? दिखाओगे? इसमें क्रोम ओपन कर दो या कुछ भी अच्छा, कुछ भी आप यूज करते हो? कुछ भी, इन द सेंस मतलब क्रोम कुछ भी। ओके, न्यू टैब खोल दो कोई भी। ओके, परफेक्ट। तो आप कोई आइडिया दो, चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर कुछ और? अच्छा, एक काम करते हैं। अच्छा। आप अपने किसी एक दोस्त के बारे में सोचो जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, सोच लिया? ओके, तो उसको, आपको उसके नाम का मीनिंग बताएं? नहीं, मुझे मीनिंग तो नहीं पता उसका। जैसे मेरा नाम अभय, तो भय मीन्स डर, अभय मीन्स जो डरता नहीं, ऐसा है नहीं एक्चुअल में। नाम फोन करके पूछ सकते हो कि तेरे नाम का मतलब क्या है। इसमें गूगल कर लेते हैं मीनिंग ऑफ, ठीक है, जो भी उसका नाम है उसका मीनिंग देख लेना, ठीक है? और किसी को दिखाना नहीं है यहाँ पे, चाहे आप दूर जाके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कैमरा में भी रहने दो, किसी को नहीं दिखाना। ट्रेंडिंग टॉपिक बाबा बागेश्वर। देख लिया? फोन लॉक कर दो, मुझे नहीं दिखाना कुछ भी, अपने पास रखो। पहले कार्ड मैजिक दिखाता हूँ, उसके बाद आता हूँ, ठीक है? आप भी आओगे? ओके, आप आओगे तो कार्ड काउंट करना, हाथ आगे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 कार्ड्स हैं। आपने कभी कैसीनो गए हो कभी आप? बहुत गए हो पिछले जन्म। अच्छा, तो उसमें ना बेसिकली कार्ड काउंट करने का ना तरीका होता है एक, जैसे कि उसमें कैसे कार्ड काउंट करते हैं। 1 है, ठीक है? 1, इसको नीचे रखते हैं, सबसे नीचे उल्टा करके 1 हो गया। 2 नीचे करके नीचे रख दिया, ऐसे करके सारे कार्ड काउंट करो आगे। 2 तो 3, परफेक्ट। 4 बोल के 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब इसको आप कहीं भी अपनी पॉकेट में डाल लो, कहीं भी। ओके, आप 1 से लेकर 4 के बीच में कोई नंबर बोलो। 3 3, इन्होंने नंबर बोला 3, कोई भी नंबर बोल सकते थे आप, है ना? और आपने कार्ड काउंट किए थे 10। मैं 3 कार्ड यहाँ से उठा के वहाँ डालूंगा। टाइट पकड़ो, अपनी पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखो, टाइट पकड़ना। ओके, 3 ना, 1 दिखा आपको कार्ड जाते हुआ? नहीं दिखा, इस बार दिखेगा। 2 दिखा? नहीं दिखा, लास्ट बार दिखेगा। 3 दिख रहा है यहाँ पे कार्ड, ये तीसरा कार्ड है। और इस कार्ड को हाथ आगे करो अपना, इस कार्ड को मैं चाहता हूँ आप डालो। गया, तो 3 कार्ड। अब ये 13 हो गया, 13 काउंट करो, कार्ड काउंट करो जैसे मर्जी आप, अपने हाथ दोनों हाथ आगे करना, दोनों हाथ आगे करो, फोन पॉकेट में डाल लो, दो कैमरे में दिखा देना अच्छी तरह। यहाँ पर कार्ड काउंट करो, कार्ड काउंट करो, गुड। कार्ड कैमरे में भी दिखा दो ना, कार्ड ऐसे करो बारी बारी करके, यहाँ पे एक एक करके रखो, कैमरे में दिखा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड दिखाओ, ये पकड़ो, सारे के सारे कार्ड पकड़ो, पॉकेट में डाल लो दोबारा से। अपने कौन सा नंबर 3 बोला था ना? ओके, अभी आपने काउंट किए थे 13, 1 2 3, अब कार्ड काउंट करो, अपने दोनों हाथ आगे करो दोबारा, इनके हाथ पे रखो। 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन मैजिक थैंक यू ओके आपका माइंड रीड करना मुझे ओके तो मेरा नाम अभय 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 शर्मा वैसे मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ अभय.magic अभय.magic अभय शर्मा है ना हाँ जी वीडियो आएगी अभय.magic के नाम से ओके सो गेटिंग बैक टू हर माइंड ओके सो अभी आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच रहे थे भाई एक बात तो नहीं सोच रही थी आप भी सोच रहे थे उससे पहले एक बात बताओ मुझे कंफर्म करो आज से पहले मैं मिला हूँ आपसे कभी नहीं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ आज राइट कोई चांस नहीं कि मेरे को आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ ना। आपका नाम आज मेरे को पहली बार पता लगा है उसका नाम अपने मन में सोचना ठीक है इमेजिन करो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं ओके आई थिंक वो लड़का है यस लड़का है उसका नाम पूरा सोचो अपने मन में हाथ आगे करोगे अच्छा उसका नाम अपने मन में सोचना ठीक है मैं ए से लेकर जेड तक बोलूँगा आपको रिएक्ट नहीं करना कुछ भी उसका नाम अपने मन में बोलो नाम छोड़ो उसका खाली फर्स्ट अल्फाबेट अपने मन में बोलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस उसका फर्स्ट अल्फाबेट है एस उसका पूरा नाम अपने मन में सोचो मेरे तो देखो पूरा नाम अपने मन में सोचो सौरभ कौन है सौरभ आपका बेस्ट फ्रेंड है It's not the exact name. Pronunciation is different, but it's close. Close. Very close. So very I think Saurabh. B H. Saurabh. It's Saurabh. Saurabh. Okay. Okay. Bombay ki ladki, Chandigarh ka ladka, aur hum Ludhiana se aaye hain. Acha. So let's see ki iska mind read ho pata hai ya nahi. I would request Aap mein se kis? Aap mein se cards khelta hai koi? Koi nahi khelta. Nahi khelega kabhi. Aap aaoge side aaoge thoda. ठीक है तो बेसिकली ना 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में राइट मैं ऐसे करूँगा आपको कहीं भी स्टॉप बोलना है ठीक है कहीं भी आप स्टॉप बोल सकते हो ओके स्टॉप यहाँ पर एग्जैक्टली यहीं पे जो भी ये कार्ड है देख लो और किसी को दिखाना नहीं है देख लिया आप चाहे तो इनको भी दिखा सकते हो डन अपने अपनी पॉकेट में डाल लो और मेरे पास ना एक और स्पेशल कार्ड्स हैं इसमें सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे हैं ठीक है जैसे कि कायल अडवाणी रणबीर कपूर ठीक है बेसिक माधुरी दीक्षित और बिल्कुल अलग अलग सिंगर्स के नाम है बिल्कुल रैंडमली बोहेमिया गिप्पी गरवाल ठीक है अरिजीत सिंह बिल्कुल रैंडमली सिंगर्स या फिर सेलिब्रिटीज़ के नाम है एक तरह से यो हनी सिंह प्रियंका चोपड़ा ठीक है तो आप इनमें से कोई एक सेलिब्रिटी पिक करोगे यहाँ पर आ जाओ इस साइड आ जाओ आपको इनमें से कोई एक सेलिब्रिटी पिक करना है मैं ऐसे करूँगा अगेन आपको कहीं भी स्टॉप बोलना है ठीक है स्टॉप यहाँ पर एग्जैक्टली यहीं पे या आगे जाऊँ यहीं पे जो भी ये सेलिब्रिटी है देख लो किसी को दिखाना नहीं है किसी को नहीं दिखाया पॉकेट में डाल लो आपका कार्ड देख सकता हूँ मैं दिखाना नहीं है मतलब उल्टा करके देना है मुझे ओके तो इस कार्ड में कोई मार्किंग नहीं है मेरे को इसको पीछे से देख के नहीं पता लग सकता कि कौन सा कार्ड है मैं एक और कैमरे में दिखाता हूँ इससे पीछे देख के मुझे पता नहीं लग सकता कि कौन सा कार्ड है राइट आपने तो उल्टा ही घुमा दिया एट ऑफ हार्ट्स ओके इट्स एट ऑफ हार्ट्स मेरे को पता लग गया एट ऑफ हार्ट्स लेकिन अभी सेलिब्रिटी मुझे नहीं पता एट ऑफ हार्ट्स ये सब कुछ स्टार्ट होने से पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने आपको एक एनवलप दिया था राइट और अभी तक आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इसको बिल्कुल बंद पड़ा है राइट आपके मन में भी एक सेलिब्रिटी है और कोई चांस नहीं है कि मुझे पता हो कि वो सेलिब्रिटी कौन सा है लाइक जो रिटर्न है कार्ड का वही ना वो सेलिब्रिटी मुझे नहीं पता ना कौन सा है अगर इसके अंदर उसकी फोटो हुई तो क्या वो इम्प्रेसिव होगा एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम उसका नाम बताओ जो भी वो सेलिब्रिटी था कपिल शर्मा तो इसके अंदर फोटो है कपिल शर्मा की जब वो 2 महीने के थे ओके नहीं इम्प्रेसिव है आपका कार्ड कौन सा था एट ऑफ हार्ट्स इसके पीछे एक्चुअल में एक फोटो है कपिल शर्मा की होल्डिंग एट ऑफ हार्ट्स माय गॉड वाओ मैजिक एक्चुअली जी जी मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉम्बे वाले इंप्रेस्ड फ्रॉम पंजाब वाले एक्चुअली
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅਸਤਾਨ ਅਸਤਾਨ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ 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 ਆ ਜਾਓ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਤਾਂ ਗੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਗੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ पहले कार्ड मैजिक उसके बाद आता हूँ डन डन अच्छा चलो पहले उस पर आते हैं फ़ोन बड़ा आपके पास सर फोन दिखाओगे लोग नहीं बोल रहे अच्छा आपके आप अपने अपने फ़ोन का पासवर्ड किस किस को बताया इनमें से सर सबको ही पता है सबको पता ये बोल गया आपको तो नहीं पता ना इनके फ़ोन का पासवर्ड कोई चांस नहीं ये पता हो राइट फोर डिजिट का या सिक्स का फोर का एक काम करते हैं आप इनके फ़ोन का पासवर्ड गेस करना है ठीक है ठीक है फोर डिजिट का ना रैंडमली कोई भी फोर डिजिट डालो किसी को नहीं दिखाना है कैमरे में भी नहीं किसी को नहीं दिखाना है मेरे को भी नहीं कुछ भी गेस करो रैंडमली फोर डिजिट मेरे को नहीं दिखाना किसी को नहीं दिखाना डन इनको फ़ोन वापस कर दो लॉक करके ठीक है क्या है आपका पासवर्ड है ना नहीं नहीं कोई भी डिजिट नहीं आता इसमें ओके इसमें ऐड करो प्लस जो भी आपका एक्चुअल पासवर्ड है दिखाना नहीं है और वो इसमें टाइप करते हैं ना आप गूगल से डाल लो मेरे को गूगल से में दिख जाएगा ना ये एक मिनट के लिए ना वापस नंबर डाल दो दोबारा डालना मेरे को इनके उसमें चश्मे में दिख गया था ठीक है ब्रो बंदा जेन्युइन गल करता है इस प्लस करो इसमें जो भी आपका एक्चुअल पासवर्ड है वो डालना दूर जाके कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है कर लिया इक्वल टू दबा दो कुछ आंसर आएगा ना आ गया अच्छा अब इस आंसर से कोई चांस नहीं कि मेरे को पता लगेगा इनका पासवर्ड क्या है जब तक मेरे को आपका नंबर नहीं पता फिर वो माइनस होगा फिर पता लगेगा ये तो नहीं होगा इनमें ऑब्वियसली नहीं होगा आपका जो फ़ोन का पासवर्ड है वो आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है ऐसे कुछ रिलेटेड है फिर ऐसे रैंडमली रखा हुआ आपने रैंडम बिल्कुल रैंडम नंबर है कोई हाथ आगे करोगे अपना इस साइड आ जाओ सामने ठीक है दोनों हाथ आगे करो बट लॉक कहाँ से होता है आपका फ़ोन हो गया अगर मैं ऐसे करूँगा तो फेस लग जाएगा ना आपका हाँ। जो भी आपके फ़ोन का पासवर्ड है आपने खाली अपने मन में सोचना है ठीक है हाँ। मन में सोचो सोच ले इमेजिन करो कि आप अपना पासवर्ड इसमें डाल रहे हो हाँ, भी कर लिया। वहाँ देखिए यहाँ देखिए ओके हाँ, हाँ, ऐसे फेस लॉक खुल जाएगा अच्छा फेस लॉक खुलेगा हाँ। मेरे तो देखो उसका फर्स्ट डिजिट अपने मन में टाइप करो फर्स्ट कर दिया ब्रो फर्स्ट डिजिट वन कर दिया हाँ कर दिया सेकंड डिजिट टाइप करो कर दिया वन अगेन हाँ ठीक है थर्ड डिजिट टाइप करो कर दिया थ्री एंड नाइन हाँ ब्रो पिक करो इनमें से एनी गार्ड डजंट मैटर एनी गार्ड देखो और कैमरे में दिखा दो अगर देख लिए तो उसके ऊपर आप अपना नाम लिख दो ओके okay. कहीं भी स्टॉप बोल देना मैं ऐसे करूँगा ठीक है ओके स्टॉप यहाँ पर रख दो गार्ड अच्छा कैमरे में देख लिया था ठीक है सबने देख लिया गार्ड आपने नाम क्या बताया था अपना खुश पास आओगे थोड़ा सा मार्कर दे दो वापस कर दो मार्कर इनको वापस मार्कर के इनको दे दो वापस ओके आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड हो दोनों हाथ आगे करोगे अपने ओके ठीक है दोनों हाथ आगे करना ठीक है एक काम करो डेक को पकड़ो एकदम टाइट इसके ऊपर अपना ये वाला हाथ रख लो एकदम टाइट रखना ठीक है आपने नाम क्या बताया था खुश ना आप एक से लेकर दस के बीच में कोई नंबर बोलो एनी नंबर सेवन आपने कार्ड पिक किया था आपके सामने बीच में डाला है आपने नंबर बोला सेवन अगर आपका साइन किया हुआ कार्ड सेवन नंबर पर हुआ तो मैजिक होगा होगा ऊपर वाला हाथ हटाओ सेवन ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्ड ये नहीं था नहीं। ये नहीं है इस पता क्यों नहीं है हाँ। क्योंकि वो कार्ड आपकी घड़ी के नीचे है चेक करो इसमें नाम भी लिखा आपका नहीं ये नहीं क्योंकि जब आप आए थे तो मैंने जान लिया था आपका माइंड रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ओके
न्यूज़ रिपोर्टर्स थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर मैं ट्राई करूँगा। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। ओके, आप एटीएम यूज़ करते हो? क्या करते हो? एटीएम। एटीएम। ओके, लास्ट टाइम आपने एटीएम बताया था, कब यूज़ किया था? कल रात को। कल रात को यूज़ किया था। इमेजिन करो सेम वही सीन कि आप अपना एटीएम पिन नंबर डाल रहे हो, आपने कहाँ पर यूज़ किया था? और ये नहीं याद आपको, मतलब कहाँ पे किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था ये नहीं याद? आई गेस कैब की पेमेंट के लिए। ओके, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। ठीक है, आपने अभी इमेजिन किया ना खुद को वो नंबर डालते हुए? थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। दोबारा नंबर डालना आपको, सेम अपना एटीएम पिन नंबर अपने मन में। अच्छा, आपने आज से पहले मुझे कभी बताया? नहीं, किसी को बताया? बहुत प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई बताता नहीं है किसी को, राइट? बताना भी नहीं चाहिए। जो भी आपके फ़ोन का पासवर्ड है आपने खाली अपने मन में सोचना है, ठीक है? हाँ, मन में सोचो। सोच ले। इमेजिन करो कि आप अपना पासवर्ड इसमें डाल रहे हो। हाँ, इमेजिन भी कर लिया। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ओके, हाँ, यहाँ से फेस लॉक खुल जाएगा। अच्छा, फेस लॉक खुलेगा। मेरे तो देखो, उसका फर्स्ट डिजिट अपने मन में टाइप करो। फर्स्ट कर दिया। अच्छा, बंद रख। कर दिया ब्रो। फर्स्ट डिजिट 1 कर दिया। हाँ, कर दिया। सेकंड डिजिट टाइप करो। कर दिया। 1 अगेन। हाँ 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 हाँ, ठीक है। थर्ड डिजिट टाइप करो। कर दिया। 3 and 9। हाँ ब्रो, ये मैजिक करेंगे और थोड़ी पहली गर्लफ्रेंड का नाम दसेंगे। ठीक है, ठीक है। केना नुने माइक सही जगह लग गया। ठीक है, मेरे को सब पता ही सेगा इतना को लिया। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अभी तो थोड़ा उतार सकते हो एक मिनट के लिए? चलो, सो दैट दिख रहा है हम। ओके, होने दिख रहा नहीं बच्चा। दिखेगा नहीं आपको कुछ? दिखेगा। दिख जाएगा। फोन देखो अपना, क्रोम ओपन करके दे दो। क्रोम नहीं, मुंडिया का क्रोम नहीं देखी तुमने? अरे मतलब न्यू टैब ओपन कर दो कोई भी, ये रहा। ठीक है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड का मीनिंग पता है? गर्लफ्रेंड का नाम कर दो, आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी कोई, मीनिंग पता है? क्लियर है एकदम, पक्का? इनको, इनमें से किसी को बताया आपने? नो, नहीं बताया। अब इनको भी दिखा देना, ठीक है? मैं नहीं देखूँगा। जैसे मेरा नाम है ना अभय, तो अभय का मतलब होता है, भय मीन्स डर, और अभय मीन्स तो डरता नहीं है। ऐसा है नहीं एक्चुअल में, पर खाली मीनिंग है, मीनिंग है नाम का, ठीक है? ओके, तो एक काम करना आप, ना चल रहा ये हटा दूँ मैं नोटिफिकेशन? हाँ हाँ, क्लियर होगी। जो भी आपके गर्लफ्रेंड का नाम होगा इसमें डाल दें, मीनिंग ऑफ सबको दिखा देना, ठीक है? मेरे को नहीं दिखाना, पहले लिख दो, उस मीनिंग दिखाना, उन सबको बताना है। हाँ। नहीं दिखाना, आप अपने आप ही देख लो पहले। सर्च कर दो। हाँ, सर्च कर दो। ओके, डन। मीनिंग देख लो, बताया? मतलब एक ना आपके मन में ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। किसकी? जो आपने टाइप किया। Okay. जो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं ना, तो हमारे एक ब्रेन में उसकी पिक्चर आ जाती है, ठीक है? वो पिक्चर का आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? फ़ोन पॉकेट में डाल लो। मीनिंग इतना मैटर नहीं करता, तो जितनी पिक्चर मैटर करती है। ठीक है, पहले कार्ड मैजिक दिखाता हूँ, उसके बाद आते हैं इस पर। कार्ड गलत निकाल रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, कार्ड मैजिक देखा आज से पहले कभी आपने? नहीं। सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा, बिल्कुल। कोई कार्ड पिक करो, एनी कार्ड, डजंट मैटर, एनी कार्ड देख लो, मेरे को नहीं दिखाना। देख लिया? ओके, पॉकेट में डाल लो। डन। डन। अच्छा, किस किस ने देखा वो कार्ड? किसी ने नहीं। आपने नहीं देखा? मैम, आपने नहीं देखा? अपने कार्ड का कलर अपने मन में सोचो, जैसे कि एक ब्लैक और दूसरा रेड, दो ही कलर होते हैं ना। कलर सोचो अपने मन में, अपने मन में बोलो कलर। ब्लैक। ब्लैक बोला आपने? दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है नंबर कार्ड और एक होता है पिक्चर कार्ड। सोचो वो पिक्चर कार्ड है या फिर नंबर कार्ड है, आपने बताना नहीं है। नंबर कार्ड है या? अब वो बोलने वाले थे आप, नंबर कार्ड। नंबर अपने मन में बोलो, मैं तो देखो। दोबारा बोलो अपने मन में। 10 10 ऑफ क्लब्स आई थिंक, है ना? 10 ऑफ क्लब्स। बस सिंपल मैजिक दिखाओगे कार्ड मुझे? अच्छा, ये आपका कार्ड है 10 ऑफ क्लब्स, ठीक है? इसके साथ कुछ ट्राई करता हूँ मैं। 10 ऑफ क्लब्स, अपना हाथ आगे करो। 10 ऑफ क्लब्स, इसको एक मिनट के लिए पकड़ना है ऐसे, ठीक है? एक और कार्ड कोई पिक कर लेते हैं हम, कोई भी कार्ड। इसको ऐसे पकड़ रखा, देखना नहीं है। कोई भी कार्ड पिक कर लो,
एनी कार्ड क्वीन यही रखना है चेंज करना है ठीक है यही रखना है ठीक है तो क्वीन है मेरे पास यहाँ पर ओके और इनके हाथ में 10 ऑफ क्लब्स था ठीक है उप्स मैं देख नहीं सकता क्वीन है ठीक है क्वीन अब आप मुझे बताओ 10 ऊपर है या फिर क्वीन ऊपर है 10 नीचे क्वीन ऊपर है पक्का अगर 10 ऊपर हुआ तो जादू होगा हो सकता है मे बी होगा दोनों कार्ड चेक करो उससे बड़ा जादू दिखाता हूँ आपको मैं नाइस मैजिक वो जो मेन मैजिक है जो शुरू में दिखाया था वो बताओ उस पर भी आते हैं अच्छा आपकी वो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो पहली गर्लफ्रेंड क्या एज क्या थी तब आपकी हाँ ठीक है नवी जवानी चढ़ी सी ये बता सकते हो एज अपनी 18 समथिंग 18 आज मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ ना कोई चांस नहीं कि मेरे को आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम पता हो राइट आज आज एक सामने साथ में आ जाओगे सारे ना बन नहीं मेरे मुड़ के ठीक है अपने जो भी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी इमेजिन करो कि वो यहाँ पे खड़ी है इमेजिन करना खाली नहीं यार वैसे भी नहीं आएगी खाली इमेजिन करो कि वो यहाँ पे खड़े ठीक है ओके इमेजिन करो यहाँ पे देखो उनको ओके रोना नहीं उसका नाम अपने मन में बोलना ठीक है उसका फर्स्ट अल्फाबेट अपने मन में बोलो फर्स्ट अल्फाबेट दोबारा बोलो पी आग नहीं बोलना उसका पूरा नाम अपने मन में सोचो लास्ट टाइम आप उससे कब मिले हो बहुत टाइम हो चुका है हाथ आगे करो अगली बार जब भी आप मिलो पूनम जी को मेरी तरफ से हेलो बोलना वेरी गुड थैंक यू भाई थैंक यू ओके इसके पीछे मैंने अमिताभ बच्चन लिखा है ठीक है किसी वो अलग मैजिक के लिए था बट इसके मैंने पीछे कुछ लिखा हुआ है इसको अपने हाथ में पकड़ के रखना पूरा टाइम देखना नहीं है ठीक है आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी पकड़ सकते हो बिना देखे ओके आप कोई भी एक नंबर बोलो 1 से लेकर 10 के बीच में एनी नंबर एक फ़ोन पकड़ो जो भी नंबर बोलो इसमें टाइप कर दो दिखा सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 7 ओके आप बोलो कोई भी रैंडम नंबर 6 आप बोलो कोई नंबर 4 7 6 4 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आप रैंडमली कोई भी 3 डिजिट नंबर डाल दो रैंडमली कोई भी 3 डिजिट नंबर दिखा सकते हो सबके सामने डाल दो ठीक है इसको इक्वल टू प्रेस करो कुछ आंसर आया है और ये बिल्कुल रैंडमली आंसर आया राइट बिल्कुल रैंडमली आया इसमें ऐड करते हैं थोड़े बहुत नंबर्स आप इसमें कोई भी 6 डिजिट नंबर इसमें डाल दो कोई भी 6 डिजिट नंबर इक्वल टू मत करो खाली प्लस कर दिया इसको दोबारा प्लस करते हैं आप इसमें रैंडमली कोई भी 6 डिजिट नंबर डालो इक्वल मत करना खाली डाल दो ठीक है बिल्कुल रैंडमली डालें प्लस आप इसमें रैंडमली कोई भी 6 डिजिट नंबर डाल दो 6 डिजिट हो गए इक्वल टू कर दो इक्वल टू कर दो ओके तो एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास बना है ठीक है बहुत बड़ा नंबर बना है और एक जो नंबर बना है लाइक 5022023 ठीक है ये नंबर जो बना है ये आपकी कैलकुलेशन प्लस इनकी बिल्कुल रैंडमली बनाया आप कोई भी एक नंबर भी इधर से उधर करते हैं कुछ आंसर लगाता राइट बट ये सब कुछ स्टार्ट होने से पहले मैंने इनके हाथ में कार्ड पकड़ाया था है ना एक बार वो कैमरे में दिखाओ कि क्या था उसके अंदर पीछे पलटो उसका नंबर मैच करके देखो 5 0 इसमें दिखाओ कैमरे में दिखाओ 5 0 2 2 0 2 0 2 3 और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो ना अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आज तारीख है 5 चल रहा है फरवरी और 2023 थैंक यू सो रैंडमली बहुत लोका कोल गई और अभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना लोका का माइंड रीड किया और एक की कला इस बारे कोई नहीं जानता अबे राइट इट्स ओनली यू नो या जड़े लोग कर देंगे वही जान ये काफी मिस्टीरियस आर्ट है तो इसे हम शेयर नहीं कर सकते हैं और तुसी हाथ बंदे दा फड़ के पता कर लेंदे हो ना जो दिमाग की चल रहे मैजिक ओके सो अभी जाते जाते दर्शकों को की कहना चाहोगे क्योंकि इसको लेके बहुत मिसकंसेप्शंस भी ने इस आर्ट को लेके तो देखो
मैजिक और मेंटलिज्म, ठीक है, एक आर्ट है जिसको कोई भी सीख सकता है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि मैं किसी का माइंड रीड कर सकता हूँ तो ये मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इसको अगर सीखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे हम एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ हम आपका माइंड रीड कर रहे हैं। तो बेसिकली मैजिक एक इल्यूजन क्रिएट करने की आर्ट होती है और माइंड रीडिंग भी उसी का पार्ट है। ऑलराइट सो बे, बहुत बहुत शुक्रिया एक्चुअली उस पंजाबी से साडे नाल जुड़न ली और ये फन भरिया संडे साडे नाल गुजारन ली। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अज असी थानू मुलाकात कराई चंडीगढ़ दा रहण वाले अभय, जो ये कहंदा है कि वो लोगों के माइंड रीड कर लैंदा और किस तरह करदा, किस तरह मैजिक करदा, सारा थानू ऑन स्क्रीन दिखाया। सो उम्मीद है थानू ये पेशकश पसंद आई होगी। कैमरा परसन अमित कुमार के नाल जसनूर धवन, डेली पोस्ट पंजाबी।